हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ, पापा को जाना है जॉब पे, तो सोच रही हूँ खाना जल्दी से बना लूँ क्योंकि उनको लेट भी होगा जाने के लिए। तो और मेरी भाभी कल रात से एडमिट है, उनकी रात को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और उनको एडमिट करना पड़ा। हम लोग को लगा कि चलो दिखा लेते हैं, रात को ज़्यादा इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी तो उनको सोचे कि चलो दिखा लेते हैं। भाभी बोले कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मन नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम लोगों को लगा कि नहीं ज़्यादा, उनका अभी चल रहा है आठवां महीना, 8 मंथ भी नहीं कह सकते, पूरा हो चुका है उसको, 9th मंथ कह सकते चल रहा है। तो उन डॉक्टर पहले उनको क्या हुआ, ऐसा हुआ कि उनको चेक किया गया, पहले अल्ट्रासाउंड उनका डेट मतलब था 3 सितंबर ऐसे करके था। तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड उनका हुआ तो फिर डॉक्टर कह रही है उनको 20 अगस्त है। तो हम लोग ये नहीं समझे कैसे चेक किया गया था, कैसे नहीं समझ ही नहीं है। पहले उनको बोला गया कि आपका बेबी मतलब पता नहीं क्या कि मूव नहीं कर रहा है चाहे कुछ भी। तो हम लोग डर गए कि क्या है ऐसा कुछ भी। तो उनको फिर से उनको सोचे कि फिर से अल्ट्रासाउंड होगा, कहीं और उनको कराया गया कहीं और जगह। तो डॉक्टर बोले कि आप मेरे वहाँ पर आ जाओ, क्लिनिक आ जाओ, तो वहाँ पर मैं देख लेती हूँ। तो वहाँ पर किया गया तो वहाँ पर सब सही था, नॉर्मल था, सब कुछ सही है। तो पता नहीं कैसे लापरवाही लोग करते हैं कि डॉक्टर की कैसे चेक करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ कि अभी एडमिट है तो पता ही है घर में कितना भाग दौड़ होता ही रहता है, वहाँ अस्पताल से घर आना जाना आना तो होता ही रहता है। तो आती हैं भाभी तो दिखाती हैं, आज शायद डिस्चार्ज कर देंगे, पहले से ठीक है भाभी, पहले से ठीक है। चलो अच्छी बात है कि पहले से ठीक है, नहीं तो उनको मतलब की नहीं रहा था, उनको होता जा रहा था, होता जा रहा था पूरा, उनको अपच हो गया था। वो मेन बात है रात को भाभी वो खा ली थी चुकंदर, तो उनको पता नहीं क्या, चुकंदर वैसे खाती हैं तो सही रहता है, उनके लिए कोई नुकसान तो नहीं करता, लेकिन वो नुकसान उनको कर दिया। तो पचा नहीं उनको, तो पेट फूल गया तो उनका तो गैस बनने लगा पूरा, तो वही चीज़ उनको अपच हो गया था, पचा नहीं था सही से। तो उनको ले गया हॉस्पिटल में, ले गया गया उनको, तो बोले कि कुछ नहीं बस पचा नहीं। तो उनको फिर क्या बोला गया कि आप बहुत वीक हो गई हैं तो आपको डीप चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे आप नहीं जा पाओगे, रह नहीं पाओगे, परेशान हो जाओगे रात को ज़्यादा ही। तो हम लोग बोले कि तो पापा बोले कि ठीक है आप लोग करवा दीजिए। तो फिर इसके बोले कि आपको सुबह डिस्चार्ज करना पड़ेगा, अगर रात को तो कर नहीं पाते क्योंकि रात को ही 8 बजे ही गई थी भाभी, उनको 7 बजे से उनकी तबीयत शायद 7 बजे से तबीयत ख़राब हो गई थी। तो ले गया गया उनको 8 बजे करीब, तो उनको ले गया, अभी अभी पहले से ठीक है। आती हैं भाभी तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ठीक है। शायद अभी डॉक्टर भी राउंड उनको राउंड पर नहीं है, डॉक्टर साहब है नहीं, अभी आए नहीं है इसलिए राउंड नहीं लिए हैं, तो वो अभी चेक नहीं किए उनको। जब आएंगे तो उनको चेक करेंगे तो पता चलेगा कैसी हैं कैसी नहीं है, तो आज छोड़ेंगी कि नहीं छोड़ेंगी या कल छोड़ेंगी, देखते हैं। तो आती हैं भाभी तो फिर आप लोग से मिलाते हैं। तब तो यहाँ पे हॉस्पिटल में आ चुकी हूँ खाना लेकर। भाभी देखिए भाभी कैसी हैं, देख लेते हैं। अभी दीप इनको रात भर लगा है, रात भर छोड़ा है ना बस इस समय नहीं, तो यहाँ पे भाई तो खाना आया तो खाना खा लेंगे लोग। तो मैं बाल अभी तो भाभी सही है, ठीक है ना आप? बहुत अच्छी हूँ। हाँ यहाँ पे दिक्कत ये है कि अभी छोड़ नहीं रहे, अभी बताएंगे बाद में घर जाकर यहाँ। तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, अगर भाभी खा सकें खाना बाय कर आइए भाई। इनको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, मुझे घर चलना है अब। चलिए मैं घर चल के मैं आपसे लोग से बात करती हूँ क्या है, अगर आज नहीं आती कि नहीं आती। ओके बाय। भाभी आ चुकी है हॉस्पिटल से, मैं आई थी तो मैं भी थक गई थी तो मैं लेट गई, इसीलिए मैं कुछ बता नहीं पाई, सो गई थी। अभी आई है मेरी भाभी, कुछ देर हो रहा है अस्पताल से आए हुए।
तो देखिए अभी ठीक है ये, और मेरे पापा तो अभी सोए हैं लेकिन को हम दिखा नहीं सकते। पापा भी थके हुए हैं, पापा थके हैं, इनकी भी तबीयत ठीक नहीं। पापा की अभी यहाँ पे ये मेरा आरुष, ये देखिए इनकी बनमासी कितनी शरारती हैं ये। क्या अभी ना दिखाइए। हाँ ये हमेशा शरारती करते रहते हैं, सिर्फ बनमासी ना, ब्लॉक लेके खेलेंगे। आरुष मैं आपको दिखा रही हूँ, हाय कर दीजिए, हाय कर दीजिए, हाय करो, नहीं सुन रहे अभी आरुष। तो अभी इनका मन कर रहा है, क्या मन कर रहा है आपका? मीठा खाने का, मीठा खाने का मन कर रहा है। बट मम्मी डर, तो मम्मी मम्मी ने मना कर दिया खाने के लिए कि नहीं अभी नहीं, अभी अभी आई हो ठीक हो के फिर कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। देखते हैं भाई लेके आता है कि नहीं लेके आता है, मन तो मेरा भी कर रहा है वैसे। भूख लगा है मुझे। देखते हैं लेके आता है कि नहीं, चलिए पूछते। मेरी मम्मी, मम्मी सब्जी कट कर रही है यहाँ पे। आज बनेगा तरी, तरी की सब्जी, आलू। इसके यहाँ सब क्या अलग अलग नाम होता है, हम लोग तो नेनुआ का नेनुआ भी बोला जाता है इसको। मम्मी यहाँ की भाषा में तो समझ लो नेनुआ, वैसे तोरी बोलते हैं। तो मेरा भाई जा रहा है लाने के लिए, क्या लंग लगता, तो मेरे लिए भी लेके आना, मुझे भूख लगा है। अगर गरम गरम रहेगा तो यहाँ पे ये छोटा भाई, इनकी तबीयत खराब है लेकिन तो भी ये लैपटॉप चला रहे हैं। क्या लाया है भाई? मोमो अपने लिए और आरुष जी के लिए मोमो, और हम लोग ले लाया है लंगलत्ता, यहाँ का फेमस राजवती का है, बहुत अच्छा बनाता है। और अपने लिए मोमो लाया, ये खाएगा मोमो। तो खाना पीना हो चुका है हमारा, अब जा रहे हैं हम सोने, आज थक गई हूँ इसीलिए ज़्यादा। तो अगर हमारा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय, गुड नाइट।